हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, कैनिजारो रिएक्शन नीट एंड जेई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका नीट एंड जेई में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में बस यही पूछा जाता है कि आपको रिएक्शन दिया जाएगा एंड आपको ये बताना होगा कि क्या यह रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत ही इजी ट्रिक के थ्रू आपको वो कैनिजारो रिएक्शन पूरा कंप्लीट करा दूंगी, जिससे आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रट्टा नहीं मराऊं, क्योंकि बहुत लोग रट्टा मारते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि और आपको भी पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। तो आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, आपको बस मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूलने वाली चीज़ होती है। तो अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, मैं जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना भी वीडियो बनाऊंगी वो आपको देखना है एंड आपको प्रैक्टिस करते रहना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ही उस टॉपिक का सॉल्व करना है, जिससे आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपका वो चीज़ क्लियर होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ का डाउट नहीं रखें। अगर आपको कोई भी टॉपिक से आपको डाउट हो रहा है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग का कैनिजारो रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, कैनिजारो रिएक्शन में बस आपको यही पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं। मस्ट टॉपिक है कि छोटे छोटे टॉप पॉइंट होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप रिएक्शन बनाते टाइम उस चीज़ को आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक है उसको आपको याद करना होगा। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है आपका ओनली एल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, एल्डिहाइड ही केवल कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ओनली एल्डिहाइड ही आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। सेकंड है, ओनली दोस एल्डिहाइड गिव कैनिजारो रिएक्शन विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, अल्फा हाइड्रोजन जो भी रिएक्शन में नहीं होगा तो वह कैनिजारो रिएक्शन होगा तो वह कैनिजारो रिएक्शन आपका होगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर एल्डिहाइड रिएक्शन के दौरान अल्फा हाइड्रोजन नहीं देता है तो वह आपका कैनिजारो रिएक्शन होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वह आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आपका कैनिजारो रिएक्शन होगा। तो बस डिफरेंस आपको यही याद करना होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका कैनिजारो रिएक्शन होगा। अगला पॉइंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के प्रेजेंस में हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं। बेस जैसे NaOH हो गया आपका, NaOH, KOH, एक्सेट्रा, और भी कई बेस हैं, उसके प्रेजेंस में हम लोग कैनिजारो रिएक्शन करवाते हैं। अगला पॉइंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, कैनिजारो रिएक्शन के लिए हम लोग को रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है, या तो ऑक्सीडेशन कराना होगा या तो रिडक्शन करना पड़ता है, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन करना पड़ता है। अब हम लोग को देखना है कि एल्डिहाइड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वह आपका एसिड देगा, अगर एल्डिहाइड को हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो वह अल्कोहल देगा। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। अगर एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, CHO, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्डिहाइड को तो आपका एसिड देगा, अगर एल्डिहाइड को हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो आपका अल्कोहल देगा। बार बार इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं HCHO, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। जब इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को, HCHO को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अगर इसको हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हम लोग का एसिड देता है, HCOO-, ये हम लोग का एसिड देगा। और अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को रिडक्शन करते हैं, इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं तो ये आपका अल्कोहल देगा,
एच सी एच टू ओ एच, ये आपका अल्कोहल देता है, ये आपका अल्कोहल देगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर एल्डिहाइड को हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये आपका एसिड देगा, अगर एल्डिहाइड को हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो आपका अल्कोहल देगा। बस आपको ये जितना भी आज मैं अभी मैं पॉइंट्स बताई हूँ उसका आपको याद करना होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेकेंड थिंग, अगर अल्फा हाइड्रोजन देता है तो वह आपका कैनेजारो रिएक्शन नहीं होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वह कैनेजारो रिएक्शन आपका होगा, और हम लोग इसका बेस के प्रेजेंस में हम लोग कैनेजारो रिएक्शन करवाते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन कैनेजारो रिएक्शन देगा और कौन कैनेजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे, पहला एग्जांपल है हम लोग का न्यू पेंटेनल, न्यू पेंटेनल। इसको हम लोग जब बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट हम लोग को नहीं पता करना, हम लोग को ये देखना है कि ये क्या ये कैनेजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को ये पता करना है कि क्या कैनेजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो फ्रेंड्स न्यू, न्यू का फॉर्मूला होता है CH3 होल थ्राइस C, CH3 होल थ्राइस C, न्यू पेंटेनल दिया है। तो फ्रेंड्स न्यू आपका CH3 होल थ्राइस C, इसको हम लोग न्यू बोलते हैं, इसको हम लोग न्यू बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर CH3 होल थ्राइस C से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग न्यू बोलेंगे, उसको हम लोग न्यू बोलेंगे। जैसे यहाँ पे CH3 होल थ्राइस C से हम लोग का डायरेक्ट जुड़ा हुआ है जो ग्रुप, वो आपका CHO आपका ग्रुप है, ग्रुप हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए CHO हो गया, OH हो गया, COO हो गया, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। अगर इस ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन से हम लोग का जो जुड़ा हुआ CH3 होल थ्राइस, इसको हम लोग न्यू बोलेंगे। और यहाँ पे पेंट बोला है, पेंटनल, अल, अल मतलब एल्डिहाइड होता है, अल यहाँ पे बोला है तो अल मतलब एल्डिहाइड है। तो फ्रेंड्स पेंटेनल, पेंटेनल मतलब पांच कार्बन, पेंटेनल मतलब आपका पांच कार्बन हो जाएगा, तो पांच कार्बन, तो CH3 होल थ्राइस C। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका तीन कार्बन है, ये आपका चार हो जाएगा, तो फ्रेंड्स हम लोग को एक कार्बन का जरूरत है, तो एक कार्बन का जरूरत हम लोग का CH3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं CH3 होल थ्राइस C से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन हम लोग का CHO हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग को पता करना है अल्फ़ा हाइड्रोजन कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, इस कार्बन से कितना कितना जुड़ा हुआ है CH3, तीन, तो ये आपका CH3 एंड CH3 एंड CHO। तो फ्रेंड्स अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसा पता करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन को पता करने का बहुत ही इजी ट्रिक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अल्फ़ा हाइड्रोजन को हम लोग कैसे पता करते हैं वो हम लोग सुनिए। तो फ्रेंड्स किसी भी ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसी को हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। याद रखिएगा कोई भी ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा उसी को हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्रुप हो गया CHO, इस CHO से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन ये हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन आपका नहीं है, तो यहाँ पे आपका जीरो ओ अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे आपका जीरो अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्योंकि ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये आपका जीरो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका बीटा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगी, आपको बीटा नहीं पूछा, आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन पूछा, तो ये आपका बीटा हो जाएगा, ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका जीरो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। एंड पीछे मैंने बताया था कि अगर अल्फ़ा कैनेजारो रिएक्शन में ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं देता है तो ये आपका जीरो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मतलब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं दे रहा है। इट मीन्स न्यू पेंटेनल को जब हम लोग बेस से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका कैनेजारो रिएक्शन नहीं देता है, ये आपका कैनेजारो रिएक्शन नहीं है, सॉरी ये आपका कैनेजारो रिएक्शन देगा क्योंकि आप नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन जीरो है तो ये कैनेजारो रिएक्शन देगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम लोग को अल्फ़ा हाइड्रोजन बताना है। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सेकंड एग्जांपल है हम लोग का आइसो ब्यूटेनल,
आइसोब्यूटेनल। तो फ्रेंड्स आइसो किसको बोलते हैं, आइसो हम लोग सी एच थ्री ई होल टू सी एच को बोलते हैं, इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। आइसो सी एच थ्री होल ट्वाइस सी एच, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को ब्यूटेनल बोला, अल अल आपको मैं बार बोल रही, जब भी अल होगा इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल में आपका चार कार्बन होता है, ब्यूटेनल में आपका चार कार्बन होता है। तो यहाँ से आपका दो हो गया, ये आपका तीन, तो हम लोग को चार कार्बन चाहिए। तो ब्यूटेनल, तो हम लोग का इसका जो ग्रुप जुड़ा हुआ, ग्रुप आपका सी एच ओ है, तो सी एच ओ आपका एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला, तो आपका सी एच ओ। तो चार कार्बन आपका पूरा हो गया, यहाँ से आपका दो तीन एंड यहाँ से आपका चार। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन पता करते हैं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन के लिए हम लोग सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। तो इसके साथ आप सी एच ओ, ये आपका ग्रुप हो गया सी एच ओ, ये आपका सी एच, इस सी एच के साथ कितना नंबर ऑफ सी एच थ्री जुड़ा हुआ, दो, ये आपका सी एच थ्री हो जाएगा, ये आपका सी एच थ्री। तो फ्रेंड्स अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करते, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग, ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन में जितने भी, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतना ही आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इस ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है आपका, वन, तो आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वन हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपका वन हो जाएगा। ये तो आपका बीटा है, ये आपका अल्फा हो गया। तो इस ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन में कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, वन। इसका मतलब अब ये आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा, आइसोब्यूटेनल आपको कैनिजानो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल है हम लोग का पी एच सी एच ओ के ओ एच। तो फ्रेंड्स हम लोग को इसमें बताना है ये कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो फ्रेंड्स पी एच ये आपका बेंजीन होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप, अगर बेंजीन होगा तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा, नहीं देगा क्योंकि क्योंकि बेंजीन में जो ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन, आप बेंजीन में ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन में आपका कितना चारों वैलेंसी पूरा होता है बेंजीन में, क्योंकि ये आपका कार्बन हो गया, इस कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है, ये आपका वन, एक वैलेंसी हो गया, ये आपका दो, ये आपका तीन एंड ये आपका चार। तो फ्रेंड्स ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा क्योंकि कार्बन का चार वैलेंसी होता है, कार्बन का चार वैलेंसी होता है और चारों वैलेंसी कार्बन का पूरा होता है। तो बेंजीन में कार्बन का चार वैलेंसी पूरा है, इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन देगा नहीं, क्योंकि जब चारों वैलेंसी पूरा है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से देगा, वो बिल्कुल नहीं देगा। कैसे, यहाँ पे देखिए आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, तो इधर से एक, दो, तीन एंड ये आपका चार, तो चारों वैलेंसी आपका कंप्लीट है, इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। और जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं देता है वो आपका कैनिजारो रिएक्शन होगा, तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि बेंजीन में कार्बन का चारों वैलेंसी पूरा होगा, इसलिए ये कार्बन, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं एच सी एच ओ। तो फ्रेंड्स एच सी एच ओ को हम लोग फॉर्मल डिहाइड बोलते हैं, एच सी एच को हम लोग फॉर्मल डिहाइड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्मल डिहाइड ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो फ्रेंड्स फॉर्मल डिहाइड एच सी एच ओ कभी भी अल्फा हाइड्रोजन देगा नहीं क्योंकि इस ग्रुप से कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। अगर फॉर्मल इससे कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से देगा, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा, इसका मतलब ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जीरो है, ये अल्फा हाइड्रोजन देगा नहीं तो कैनिजारो रिएक्शन होगा क्योंकि इस ग्रुप से कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा, तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल है हम लोग का सी एच थ्री सी एच ओ, जब ये भी हम लोग का कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो फ्रेंड्स सी एच थ्री सी एच ओ, तो फ्रेंड्स सी एच थ्री सी एच ओ से ये आपका ग्रुप है, हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। तो फ्रेंड्स इस ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन में कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है,
तीन अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इस ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन में आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तीन है, तो ये आपका कैनिजारो दिया कैनिजारो रिएक्शन देगा ही नहीं देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका कल ये आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देता। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने जितना भी एग्जांपल बताया, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का जो एग्जांपल एंड आज का जो जितने भी पॉइंट्स मैंने कैनिजारो रिएक्शन का बताया उसको आपको नोट डाउन करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उस चीज़ का डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड रिविजन करते रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।